मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। जो शिक्षा व्यवस्था हमारी इस समय है वो अंग्रेजों की है। मैकॉले नाम का एक अंग्रेज आया, उसने शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाया, उसके आधार पर स्कूल चलते हैं सारे के सारे। हम उस पाठ्यक्रम को बदलना चाहते, नया पाठ्यक्रम लाना चाहते, उसके लिए एक स्वदेशी शिक्षा का मॉडल हम बना रहे हैं और उसमें गुरुकुलों की व्यवस्था शुरू करने फिर से जा रहे हैं। पहले जो गुरुकुल हमारे यहाँ होते थे उनकी विशेषता सबसे बड़ी ये थी कि वो निःशुल्क होते थे, माने शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध होती थी, वो गरीब हो या अमीर हो। आपको मालूम है श्री कृष्ण और सुदामा एक ही जगह पढ़ते थे, सुदामा के पास तो पैसे ही नहीं थे, कृष्ण तो करोड़पति थे, करोड़पति का बेटा या रोडपति का, सब एक साथ पढ़ते थे क्योंकि फीस नहीं लगती थी। तो शिक्षा तो निःशुल्क ही होनी चाहिए। दूसरा, उस शिक्षा में जो ज्ञान होता था वो ऐसा होता था जो जीवन के काम का। अभी जो शिक्षा है इसमें ज्ञान ऐसा है जो जिंदगी में कभी काम नहीं आता। जैसे मैं खुद मेरे से प्रश्न करता हूँ, मैंने गणित पढ़ा, मॉडर्न एलजेब्रा पढ़ा, उसमें एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर पढ़ा, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर पढ़ा, एक्स प्लस वाई होल क्यूब पढ़ा, एक्स माइनस वाई होल क्यूब पढ़ा, खूब पढ़ा, खूब रटा, इम्तहानों में लिखा, नंबर भी लाया, लेकिन वो आज तक मेरी जिंदगी में काम नहीं आया, एक भी दिन काम नहीं आया एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। जब काम नहीं आया तो क्यों पढ़ा मैंने? मेरे टीचर कहते हैं काम उनको भी नहीं आया लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया, क्योंकि उनको किसी ने पढ़ाया। तो ये भेड़िया दसान क्यों चलाना? तो जो ज्ञान काम नहीं आता उसको पूरा हटा देना ही अच्छा है, वो बोझा है, और जो हमें याद नहीं रहता वो भी हटा देना अच्छा है। हमें बहुत सारी चीजें याद नहीं है हमारी पढ़ाई की, क्योंकि वो काम की नहीं है इसलिए याद नहीं है। जो चीजें रोज काम आती हैं वो याद रहती हैं, जो रोज काम नहीं आती वो बेकार है। तो जो याद नहीं रहने वाला वो हटा दें, जो काम का नहीं है वो हटा दें। परिणाम जानते हैं क्या होगा? बारहवीं तक की शिक्षा किसी भी विद्यार्थी को 2-3 साल में ही मिल जाएगी, उसका समय बच जाएगा, उसका नॉलेज बढ़ जाएगा। और फिर प्रोफेशनल एजुकेशन में भी हम यही कर सकते हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस में, तो ये हम करना चाहते हैं। और हम क्या करना चाहते हैं? सारी शिक्षा मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, उड़िया, आसामी या हिंदी, इनमें पूरी पढ़ाई हो, अंग्रेजी बिल्कुल ख़त्म हो। अंग्रेजी किसी को सीखनी है भाषा के रूप में तो सीखे, जिनको विदेश जाना है, विदेश व्यापार करना है, वो अंग्रेजी सीखे। सबको मार मार के अंग्रेजी क्यों सिखाना? उससे उसका दिमाग कुंठित होता है। हमारे देश में पता है बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं लेकिन अंग्रेजी में हमेशा फेल होते हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते। उनका गणित अच्छा है, उनका फिजिक्स अच्छा है, उनका केमिस्ट्री अच्छा, अंग्रेजी खराब है। और अंग्रेजी खराब होने में हैरानी क्या है? क्योंकि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, खराब तो होनी चाहिए। हमें अंग्रेजी क्यों आनी चाहिए? इंग्लैंड में किसको हिंदी आती है जो हमें अंग्रेजी आनी चाहिए? जब वो हिंदी सीखने के लिए परेशान नहीं है तो हम अंग्रेजी सीखने के लिए क्यों मारामारी कर रहे हैं? और हम ऐसे मूर्ख लोग हैं जो अंग्रेजी का बाजा बजाते रहते हैं हमेशा, अंग्रेजी राष्ट्रभाषा, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। दुनिया में 200 देश हैं, सबका मैंने पता कर लिया, सिर्फ 14 देशों में अंग्रेजी चलती है, बाकी कहीं नहीं चलती। फ्रांस में फ्रेंच चलती है, जर्मनी में जर्मन चलती है, स्वीडन में स्वीडिश चलती है, डेनमार्क में डेनिश चलती है, रूस में रशियन चलती है, जापान में जापानीज चलती है, चीन में चाइनीज चलती है। सब देशों की अपनी भाषाओं में शिक्षा होती है, भारत में ही अंग्रेजी चलती है। और ऐसी मूर्खतापूर्ण भाषा है जिसका कोई और छोर नहीं है। प्यूटी पुट तो ब्यूटी बुट, और ब्यूटी बट तो प्यूटी पट, सीयूटी कट ब्यूटी बट तो प्यूटी पट होना चाहिए कि नहीं? और अगर प्यूटी पुट है तो ब्यूटी बुट सीयूटी कुट होना चाहिए। क्या मूर्खतापूर्ण भाषा है! अंग्रेजी में लिखते हैं चोपड़ा, सी एच ओ पी ए आर ए, चोपड़ा लिखते हैं ना, अच्छा कहीं पे सी एच चोपड़ा कर देते हैं, कहीं सी एच कोपड़ा कर देते हैं। अब कहां कर देते हैं? केमिस्ट्री लिखते हैं तो सी एच ई एम आई एस टी आर वाई, वहां सी एच है, यहां सी एच है,
यहां चोपड़ा हो गया, वहां केमिस्ट्री क्यों नहीं है? और अगर वहां केमिस्ट्री है तो यहां कोपड़ा क्यों नहीं है? कोई जवाब है? मूर्खतापूर्ण भाषा, जिसका जिसका कोई ग्रामर नहीं है, उधार लिया हुआ सारी दुनिया से, शब्द नहीं है उनके पास, सब उधार लिया हुआ है। शब्दों की इतनी कमी है अंग्रेजी में, एक शब्द है अंकल, ले दे के, चाचा हो, मामा हो, मौसा हो, फूफा हो, ताऊ हो, सब अंकल। हमारे यहां हो सकते हैं? चाची हो, ताई हो, मामी हो, मौसी हो, सब आंटी, क्योंकि शब्द ही नहीं है। जिस भाषा में शब्दों का इतना अकाल हो, उसको हम कहें कि बड़ी अच्छी भाषा है। हमारे पास हर बात के लिए एक खास शब्द है, उनके पास है ही नहीं। और अंग्रेजी के मूल शब्द तो बहुत कम है, लैटिन से उधार ले लिए, फ्रेंच से उधार ले लिए, जर्मन से ले लिए, फिर रशियन से ले लिए, फिर इनसे ले लिए, खिचड़ी बना लिया उन्होंने अपना। हम उसको वाह-वाह करते रहते हैं, इसमें मत फंसिए। और अंग्रेजी के कुछ शब्द तो इतने खराब हैं जिनको हम जानते नहीं, बोलते रहते हैं फालतू में। हमारे देश में अधकचरे लोग बहुत हैं। अधकचरे लोग पता है कैसे? पिताजी हैं रामदयाल, माताजी हैं गायत्री देवी, बेटा है टिंकू। अब रामदयाल और गायत्री देवी का टिंकू कहां से आया? अब उनसे मैं पूछता हूं, भैया आपने इसका नाम टिंकू क्यों रखा? कुछ मालूम नहीं। फिर उनको दिखाता हूं कि देखो, टिंकू का अर्थ होता है आवारा लड़का। अंग्रेजी में टिंकू उसको कहते हैं जो आवारा हो, बाप की ना सुने, मां की ना सुने। आप अपने अच्छे खासे बच्चे को टिंकू टिंकू बोल बोल के आवारा करना चाहते हैं। नाम रखे हुए बबली, डबली, डिंकल, ट्विंपल, पंपल, पता नहीं क्या क्या नाम, कुछ मतलब नहीं जिन नामों का, उनको रख के क्यों अपना दिमाग खराब बच्चों का करते हैं खराब। और कुछ कुछ लोग तो ऐसे विचित्र हैं, कभी मैं उनसे मिलता हूं, अधकचरे लोग कैसे, ना तो अंग्रेज हुए ना हिंदुस्तानी रह गए, बीच के रह गए, त्रिशंकु। हाँ, वो कभी मिलेंगे, कहेंगे राजीव दीक्षित शी इज माई मिसेज। मैं कहता हूँ ओ रियली शी इज योर मिसेज, क्योंकि उनको मिसेज का मतलब नहीं मालूम। मिसेज का मतलब जानते? मिसेज का मतलब होता है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी स्त्री, वो मिसेस होती है। और यहां धर्म पत्नी को मिसेस बनाने में सब लगे रहते, ऐसे बोलते हैं ओ ही इज माई मिस्टर। तो मैं पूछता हूं रियली? पति को छोड़कर कोई भी पुरुष मिस्टर होता है। और सबसे खराब अंग्रेजी का शब्द है मैडम। ये अंग्रेजी का तो है नहीं, ये फ्रेंच का शब्द है। फ्रेंच में शब्द है मादाम, एम ए मा डी एम ई दाम, माँ माने मेरा या मेरी, दाम माने महिला, स्त्री, लड़की। माँ दाम, मेरी महिला, मेरी स्त्री, मेरी जो भी कुछ है वो आपकी है। तो सब हो सकती है क्या आपकी? मैडम 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 मैडम, जिसको देखो उसको मैडम आप कहते रहते हो, क्या मूर्खता आप सब करते। ये सब बंद करो आप, ये मैडम कहना, मिस्टर कहना, मिसेस कहना, बंद करो सर। मालूम ही नहीं है आपको, आप बकते जाते हैं, कहते जाते हैं। मुझे तो इतनी खुंदक होती है कि कोई महिला अपने को मैडम कहलवाती कैसे, क्योंकि पता ही नहीं है उनको मैडम का अर्थ क्या है। और ये तो बहुत ही खराब शब्द हैं, जैसे अंग्रेजी में हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, आप तो सुन नहीं पाएंगे उनकी डेफिनेशन जो है। मैं थोड़ी अंग्रेजी और अमरीकी सभ्यता पर बहुत काम कर रहा हूँ, रिसर्च बहुत किया है, हर शब्द का एक इतिहास है। अंग्रेजी में मिस्टर शब्द कहाँ से आया, मिसेस कहाँ से आया, मैडम कहाँ से आया, इसका अपना पूरा हिस्ट्री है। अगर वो जान लें तब इस्तेमाल करें तब तो समझ में आता, बिना जाने बूझे हम इस्तेमाल करते। बंद करिए ये सब, इसमें कोई शान की बात नहीं है। श्रीमान कहिए, श्रीमती कहिए। श्रीमती कितना सुंदर शब्द है, श्री माने लक्ष्मी, मती माने बुद्धि, लक्ष्मी और सरस्वती माने बुद्धि और लक्ष्मी, जहां एक साथ हो वो श्रीमती, वो मिसेज नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। तो गर्व करिए अपनी भाषा पर, भाव रखिए अपनी भाषा का। जो व्यक्ति अपनी भाषा पर गर्व नहीं कर सकता वो किस पे करेगा? भाषा, भूषा, भोजन, भजन, भेषज, ये सब गर्व करने की चीज है। अंग्रेजी में ये नहीं मिलेगा आपको।
अंग्रेजी सीखिए भाषा के रूप में, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन उसको जीवन में ओढ़िए और बिछाइए मत, कभी दूर रखिए थोड़ा। जबरदस्ती किसी पर रॉक झाड़ने के लिए अंग्रेजी बोलने लगे वो बहुत खराब है, आप उसका अपमान कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें ध्यान रखिए। हम चाहते हैं भारत स्वाभिमान की शिक्षा व्यवस्था ऐसी जिसमें अंग्रेजी की जरूरत ना पड़े, मातृभाषा में सारी पढ़ाई हो, पाठ्यक्रम हमारा अपना हो, मैकॉले वाला पाठ्यक्रम हम हटा दें, गुरुकुल पद्धति फिर से आए जहां शिक्षा निःशुल्क मिले, क्या करोड़पति क्या रोडपति, और विद्यार्थियों को जो पढ़ाया जाए वो ऐसा हो जो उनके जीवन में काम आए, जो जीवन में काम नहीं आता वो पढ़ाने का कोई फायदा।